तो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, यह आएगा पेपर में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ये बैंड थ्योरी क्या जो है कैसे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करती है। पहले बहुत ही बेसिक तरीके से समझाता हूँ। बेसिक तरीका है, कंडक्टर वो है, वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री का मतलब वो बैठे नहीं हुए, वो बंधे नहीं हुए। और अगर वो बंधे नहीं हुए तो किस बैंड में पड़े हुए हैं? कंडक्शन बैंड में, वो बाहर घूम सकते हैं। सिंपल। तो कंडक्टर, और अगर मान लो अगर मैं कंडक्टर्स की बात करता हूँ या इंसुलेटर की बात करता हूँ, तो इनके बीच में वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में देयर इज एनर्जी का डिफरेंस, जिसको बोलते हैं बैंड गैप, ये रहा। अगर मैं इंसुलेटर की बात करता हूँ, इंसुलेटर वो मटेरियल है कि आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं और आप बाहर से एनर्जी देते हो ताकि एक्साइट हो जाएं, एक्साइट होके ये फ्री हो जाएं, एटम को छोड़ दें, एटम को छोड़ के फ्री घूमें, आपके स्ट्रक्चर के अंदर फ्री घूम सकें ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें। वो तो कंडक्टर है, पर जो फ्री हो ही ना पाए वो इंसुलेटर है, क्योंकि अगर वो फ्री ना हो पाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होगी नहीं, तो वो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर के अंदर ये बैंड गैप एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, जो बहुत बड़ी है। तो नॉर्मल आपके फोटोन्स या कोई भी चीज़, इसमें आप ये जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते, इतनी एनर्जी उनको मिल नहीं पाती कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला जाए, कंडक्शन में चला जाए, मतलब उनको फ्री करवाना मुश्किल है। आप उनको बॉन्ड, उनके बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते इंसुलेटर के, और उनके इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि उनका गैप बहुत बड़ा है। तो गैप होने का मतलब फ्री करवाने की एनर्जी, उनको अपने एटम से फ्री करवाने की एनर्जी बैंड गैप है। तो बैंड गैप एनर्जी इतनी बड़ी है कि वो जंप कर ही नहीं पाते, और अगर वो जंप कर नहीं पाते, वो फ्री हो नहीं पाते, तो वो मूव नहीं कर पाते, और वो जब है ही नहीं तो मूव कौन करेगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर नहीं पाते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा के कहाँ पे लेके आना पड़ता है? कंडक्शन बैंड में, तो वो मूव करते हैं। पर इंसुलेटर में ये गैप इतना बड़ा है कि ये जंप कर नहीं पाते, फ्री हो नहीं पाते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। तो अब इमेजिन कर लो, ये क्लास है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं और वो सब ये क्लास में बड़े बड़े आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पूरा कॉरिडोर बहुत बड़ा है नीचे उतर के, और नीचे मार्केट है, मतलब फ्री टू मूव है, हर कोई वहाँ भागना चाहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि कोई बाहर से तुम्हें एनर्जी देता है, तुम जंप करके नीचे तक जा ही नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें क्लास में बैठना पड़ेगा। तो तुम क्योंकि फ्री नहीं हो पाए, तुम इंसुलेटर हो। पर इमेजिन करो, इस क्लास को उठा के मैं मार्केट में ले चलता हूँ नीचे घूमने के लिए, मतलब कुछ नहीं, मैं क्लास ही मार्केट में लगाऊंगा, ओपन है। तो लो, हल्की सी एनर्जी मिली, उसने अपनी सीट छोड़ी, मार्केट में घूमना शुरू हो गया। मतलब कोई बैंड गैप है ही नहीं, ना मात्र, बहुत ही छोटा, वेरी लेस। तो इतना छोटा बैंड गैप है या है ही नहीं, और ना होना तो छोड़ो, उल्टा मार्केट में खुद बैठे हैं, मतलब कंडक्शन बैंड के अंदर बैठे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन खड़ा होता है, वो सीधा कंडक्शन बैंड में आ जाता है, उसको जंप भी नहीं करना पड़ता। इसका मतलब बैंड गैप एनर्जी या तो है ही नहीं, या इसमें बहुत ही कम है, कि हल्की सी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन फटाफट से भाग के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। तो बैंड गैप एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है या है ही नहीं, तो बहुत छोटी एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और फ्री होके दे आर फ्री टू मूव इन कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यानी कि इंसुलेटर में बैंड गैप एनर्जी बहुत बड़ी है, कंडक्टर के अंदर बैंड गैप एनर्जी या तो है ही नहीं या बहुत छोटी है, और सेमी कंडक्टर के अंदर ये बैंड गैप जो एनर्जी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलत है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना छोटा है कि तुम रूम का टेम्परेचर भी ज़्यादा कर दो तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर से मिल जाती है, और वो भाग के अपने बॉन्ड तोड़ के कहाँ भाग जाता है? कंडक्शन बैंड में, फ्री हो जाता है। तो बैंड गैप एनर्जी इसकी जो है ना ज्यादा है ना कम है, तो रूम टेम्परेचर पे ही ये बॉन्ड तोड़ लेता है और ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है और फ्री टू मूव है। तो रूम टेम्परेचर अगर हाई है तो सेमी कंडक्टर ये कंडक्टर की तरह काम करता है, और अगर 0 केल्विन कर दें तो सारे इलेक्ट्रॉन भाग के फिर नीचे आ जाते हैं, और ये क्या करता है? इंसुलेटर। तो सेमी कंडक्टर में ये बैंड गैप ठीक ठीक है, कंडक्टर में है ही नहीं, और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा है। तो बैंड गैप एनर्जी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है,
आपको लिखना कैसे है इसे, आपको ऐसे लिखना है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाइल सेमी कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसमें द एनर्जी बैंड फॉर्म बाई सीरीज ऑफ एनर्जी लेव, ऑब्वियसली वैलेंस बैंड क्या है आपको पता है, यहाँ से पढ़ते हैं, एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग द एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन। अब होता क्या है, मान लो जीरो केल्विन टेम्परेचर है, जीरो केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्साइटमेंट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जीरो केल्विन रखो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो मान लो इस कमरे के अंदर ये एटम है और मैं न्यूक्लियस हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करनी है, जो स्टूडेंट आया उसको मैंने सबसे पहले यहाँ बिठाना है, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी पे बिठाऊंगा, फिर हायर एनर्जी पे, फिर हायर पे, फिर हायर पे। इस क्लास के अंदर जो आखिरी बेंच देख रहे हो जहाँ बच्चे बैठे हैं, उसके बाद अगर बेंच है भी लेकिन स्टूडेंट नहीं है, तो आखिरी बेंच पे जो जो एनर्जी लेवल एक्वायर कर रही है वो स्टूडेंट्स, आखिरी स्टूडेंट किस एनर्जी लेवल पे बैठा, उस एनर्जी लेवल का नाम है फर्मी लेवल। तो मतलब अगर वो फीलिंग यहीं ख़त्म हो जाती तो ये फर्मी लेवल था, अगर फीलिंग वहाँ ख़त्म होती वो फर्मी लेवल है। तो फर्मी लेवल क्या चीज़ है, जीरो केल्विन पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग द एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन, यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन की। हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा किसमें, वैलेंस बैंड में। ये किसकी बात हो रही है, ये घूमने फिरने की बात नहीं हो रही, ये बिठाने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन को बिठा रहा हूं मैं, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सीट पे बैठा, जिस एनर्जी लेवल पे बैठा, उस हाईएस्ट एनर्जी लेवल को जो ऑक्यूपाई किया उसने वैलेंस बैंड में, उसका नाम क्या है, फर्मी लेवल। अंडरलाइन करो यहां से, हाईएस्ट एनर्जी लेवल अंडरलाइन करो, विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन वैलेंस बैंड जीरो केल्विन पे, उसको क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। क्लियर है यहां तक? तो कंडक्टर के अंदर वो कह रहा है कि जीरो केल्विन पे फर्मी लेवल एज वेल एज ऑल द लोअर एनर्जी लेवल्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। जीरो केल्विन पे कह रहे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सब बैठे हुए थे, एज द टेम्परेचर राइजेस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेट्स एक्साइटेड। भाई टेम्परेचर बढ़ गया बाहर से तो एक्साइटमेंट हो गई, अब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप दी हायर एनर्जी लेवल, तो जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वो भागेंगे क्योंकि उनका एनर्जी लेवल आप सबसे ज़्यादा, और आप तो भाग भी नहीं पाओगे, इनर्शियल लो, न्यूक्लियस आपको पकड़ के रखे हुए हैं, आखिरी वाले भाग सकते हैं, तो आखिरी वालों की तो एनर्जी वैसी हाई है और उनको बाहर से एनर्जी मिल गई, बाहर से एनर्जी मिल के वो तो भाग गए, अपनी सीट छोड़ के भाग गए, और कहाँ भाग गए, नीचे घूमने भाग गए, दे आर फ्री टू मूव, किस बैंड में चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। तो इतनी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की, अब कंडक्टर में फॉरवर्ड एनर्जी गैप तो है ही नहीं, तो हल्की सी भी एनर्जी मिली उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और दे आर फ्री टू मूव। तो इस केस में दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर एनर्जी लेवल्स आर कंपैरेटिवली एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड आर मोर फ्री एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन द लोअर एनर्जी लेवल। वगैरह आखिरी वाले पहले भागेंगे क्योंकि न्यूक्लियस से उनकी दूरी काफ़ी दूर है, तो सबसे पहले आप लोग भागेंगे, आखिरी वाले भागेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी गैप, वो कह रहे हैं अब प्रॉब्लम क्या है, भागना हर कोई चाहता है, एनर्जी बाहर से जब मिलेगी तो हर कोई भागेगा, प्रॉब्लम ये है कि आगे बैंड गैप कितना है, इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितना जंप करना पड़ेगा, अपनी सीट को छोड़ने के लिए कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। अब अगर वो बैंड गैप है ही नहीं फिर तो दे आर फ्री टू मूव, फिर तो वो कंडक्टर हो गए, और अगर बैंड गैप बहुत ही ज़्यादा है मतलब वो एक्साइट तो हुए पर एटम को छोड़ नहीं पाए, दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर वो इंसुलेटर है, और अगर ठीक ठीक है तो वो सेमीकंडक्टर है। अब सारी गेम, क्योंकि जब मैं एनर्जी दूंगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आखिरी इलेक्ट्रॉन तो भागेंगे। अब वो कह रहे हैं मेटल कंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मेटल इज सच दैट आइदर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर। ये देखो कह रहे हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में फॉरवर्ड एनर्जी गैप है ही नहीं, तो वही बात होगी कि मैं अपनी क्लास को कहाँ लेके बैठा हूँ मार्केट में, मैं घूमने के लिए बिल्कुल फ्री हो भी, जय हल्की सी एनर्जी मिली और तुम खड़े हो गए सीट से और तुम सीधा कंडक्शन बैंड में आ गए फ्री टू मूव हो, तो तुम्हें कोई गैप तो जंप करना ही नहीं है, तो इसलिए इसमें गैप नहीं है, हल्की सी एनर्जी से एक्साइटमेंट से ये कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे, तो इसलिए इनका नाम क्या है, कंडक्टर। और जब ये फ्री हो जाएंगे तो एक और बात है, जब ये फ्री हो जाएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा,
छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आपने अप्लाई कर दिया, क्योंकि फ्री तो हो ही गए, तो जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव कर नहीं सकते, लेकिन जो फ्री हो गए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से मूव करना शुरू कर देंगे, और जब वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसका नाम क्या है, कंडक्टर। तो बेसिकली कंडक्टर क्या हुए, जिसमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरवर्ड एनर्जी गैप है ही नहीं। हल्की सी एनर्जी लेते ही आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में आ जाते हैं, हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाते हैं, मूव करते हैं, और मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, कंडक्टर। तो ड्यू टू इट करंट बिगेंस टू फ्लो थ्रू इट एंड हेंस मेटल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। लेकिन इंसुलेटर में एनर्जी बैंड डायग्राम गिवन है, कह रहे वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और फॉरवर्डन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बड़ा भी होता है, अगेन ड्यू टू लार्ज फॉरवर्डन गैप, तो ये गैप बहुत बड़ा है, नो इलेक्ट्रॉन इज एबल टू गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। कह रहे हैं कि वैलेंस से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन ही नहीं पाता, चाहे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लो, और जब वो जा ही नहीं पाता कंडक्शन बैंड में, फ्री हो ही नहीं पाता, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को फ्री होना पड़ता है, और फ्री हुआ नहीं तो ये मूव करेगा नहीं, तो इसका नाम क्या है, इंसुलेटर। तो गैप बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कह रहे हैं सेमीकंडक्टर के अंदर आपका जो वैलेंस बैंड है नीचे वाला वो फिल्ड है, कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब वो कह रहे हैं बट फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज क्वाइट स्मॉल। बहुत बड़ा गैप नहीं है। कितना गैप है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, बताया था मैंने भाई इतना की गैप है। ये गैप तो फोटोन्स के पास भी है, लाइट के, फोटोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वैसे इसके ऊपर गिर के इसके बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह काम करता है। तो कह रहा है ये तो गैप ज़्यादा है ही नहीं, 0 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू क्रॉस इवन दिस स्मॉल फॉरबिडन गैप। 0 केल्विन इतना छोटा टेम्परेचर है, वो कह रहा है कि इसके ऊपर तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में नहीं है, और 0 केल्विन के ऊपर फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं किया जा सकता। लेकिन 0 केल्विन के ऊपर क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर क्या करेगा, लाइक इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्शन बैंड में गया ही नहीं इलेक्ट्रॉन। हाउएवर एट रूम टेम्परेचर, जब रूम टेम्परेचर कर देंगे तो सम इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड एक्वायर थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी लेते हैं और वो जंप कर जाते हैं, और कहां पर चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, एंड आर फ्री टू मूव। और जब फ्री टू मूव तो हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, फ्री इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये क्या एक्ट करता है, सेमीकंडक्टर विल एक्ट लाइक कंडक्टर। तो रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर बन जाते हैं, 0 केल्विन पे ये सेमीकंडक्टर रह जाते हैं, या इंसुलेटर बन जाते हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर पेपर में आ जाएगा लिख लेंगे अपने वर्ड्स में, सारी गेम किस पे लिखनी है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप का गेम है इसमें। ठीक है यहाँ तक?